जिस रास्ते में चक्रवाती तूफान ताऊते गुजरा वहां तबाही मचाता गया। समंदर की ऊंची लहरें शहर में घुस गई। मुंबई की सड़कें समंदर बन गई तो तूफान ने रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को धराशायी कर दिया। घरों में छप्पर उड़ गए तो समंदर की लहरें डरावनी चक्र में थी। मुंबई के पास इस तूफान के बीच समुद्र में एक नाव फंस गई। बम्बई हाई तेला क्षेत्र में तैनात बजरा P-305 सोमवार को लंगर से खिसक कर चक्रवर्ती तूफान ताऊते के कारण समुद्र में अनियंत्रित होकर बहने लगा। इस नाव में करीब 273 लोग थे। ये नाव तूफान के बीच डूब गई, जिसके बाद भारतीय नेवी ने राहत बचाव का काम शुरू किया। रात भर बचाव कार्य चलता रहा और मंगलवार सुबह तक 177 लोगों को बचा लिया। लोगों को बचाने के मिशन में भारतीय नेवी के INS कोची, INS कोलकाता और अन्य बड़े जहाज भी शामिल रहे। नौसेना ने बचाव कार्य के लिए मंगलवार सुबह बहुमिशन समुद्री गश्त विमान P-81 को तैनात किया था। वहीं नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने तीन लोगों को आज सुबह INS शिखरा पहुंचाया। INS शिखरा को पहले INS कुंजली कहा जाता था, जो दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना का एक हवाई स्टेशन है। ONGC के अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि बजरे P-305 चक्रवाती तूफान ताऊते की वजह से लंगर से खिसक गया और समुद्र में अनियंत्रित होकर बह रहा है। सूत्रों के अनुसार ये एक ऐसा बजरा है जिसमें लोगों को ठहराया या सामान रखा जाता है, इसीलिए इसमें इंजन नहीं लगा था। इसके अलावा नेवी का INS तलवार एक तेल निकालने वाली जगह पर नजर बनाए हुए हैं, जहां 101 लोग मौजूद हैं। इन सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि चक्रवात तूफान ताऊते से मुकाबले के लिए भारतीय नेवी ने अपनी कई टीमों को तैनात किया हुआ है। करीब 11 डाइविंग टीम को तैयार रखा हुआ है, जिन्हें राज्य सरकारों की सिफारिश पर आगे भेजा जाएगा। तूफान के कारण अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए रिपेयर एंड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है। वहीं पश्चिमी सी बोर्ड की कई बड़ी शिप भी अलर्ट पर है, जो कि रेस्क्यू और रिलीफ के काम में लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।